और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, सिरसा में जहां पर डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है, वहां पर आर्मी ने फ्लैग मार्च किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा के सिरसा में सेना का फ्लैग मार्च हुआ है। वहीं दूसरी तरफ संपत्ति बेचकर भरपाई का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। हिंसा के बाद सेना का ये फ्लैग मार्च सिरसा में। रक्षित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रक्षित, सिरसा में सेना ने फ्लैग मार्च किया है? जी बिल्कुल, सेना का फ्लैग मार्च इस वक्त मेरे आंखों के सामने चल रहा है। लगातार सेना के जो वाहन हैं वो यहां से गुजर रहे हैं। लगभग अभी तक 20 से 25 जो बड़े ट्रक्स हैं वो घुस चुके हैं सिरसा के अंदर, और आने का सिलसिला जो है आर्मी का ये पूरा क्रम लगातार जारी है। बड़ी यूनिट आर्मी की यहाँ पर सिरसा में मूव की गई है, जिसको बैकअप पे रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं अब वो उन्होंने हिंसक रूप ले लिया है, उसके बाद में आर्मी ने अपना पूरा फ्लैग मार्च इंटरनल सिक्योरिटी वाली जो डिवीजन है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, इन सारे वाहनों पर लिखा हुआ है। आंतरिक सुरक्षा रेड कलर के जो बैनर्स हैं और झंडे लगाए हुए हैं। ट्रकों का ये काफिला यहाँ से गुजरता हुआ, और अब आपको मैं मेरे साथ साथ में ये आवाजें भी सुनाई देंगी। ये आर्मी के ट्रकों का ही काफिले की आवाजें हैं, जो कि ये आर्मी के ट्रक हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। लाल झंडे लगे हुए हैं, आर्मी पर्सनल जो हैं इन ट्रक्स में भरे हुए हैं पूरे तरीके से, और इंडियन आर्मी के जो कैप्स हैं वो उन सब ने पहने हुए हैं। उसके बाद में ये आवाजें आप ट्रकों की सुन सकते हैं। ये आवाजें इंडियन आर्मी के ट्रक की है। इंडियन आर्मी डिप्लॉय हो गई है सिरसा में और पूरे सिरसा को कवर करने की तैयारी है। और ये जो रूट इन्होंने अभी फिलहाल चुना है, ये रूट यहाँ से संभवतः शहर में पूरे में फ्लैग मार्च करने के बाद में जो डेरा सच्चा सौदा का जो गढ़ है सिरसा में, वहां की तरफ मूव करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुयायी, कई हजार अनुयायी जो है इस वक्त डेरा सच्चा सौदा के अंदर मौजूद है। उन्होंने ऐसी खबरें सामने आ रही है, धुआं अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने वहां पर एक मिल्क प्लांट है वीटा का, मिल्क प्लांट में आग लगा दी है। और ये आवाजें आप आर्मी के ट्रक की सुन सकते हैं। बड़े बड़े जो इनके वेपन्स हैं वो सब लेकर यहां से आर्मी के ट्रक गुजर रहे हैं लगातार, और जो काफिला है उसमें अभी तक तकरीबन 35 से 40 के आसपास जो ट्रक हैं वो मैंने यहाँ से गुजरते हुए देखे हैं। तो अब फाइनली आर्मी सिरसा में डिप्लॉय कर दी गई है। हालात यहाँ पर भी बेहद चिंताजनक बने हुए हैं, बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि डेरा सच्चा समर्थक जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं शहर में, और उनकी कोशिश यही है कि शहर में घुसा जाए। पुलिस नाकाफी थी, हमने आंखों से देखा कि जिस तरीके से 60 से 70 हजार जानकारी दी कि सिरसा में भी डेरा समर्थकों की ओर से आगजनी की गई है। हमारे दर्शकों को बताइए, आग कहां पर लगाई है इन गुंडों ने? जी देखिए, जो डेरा के लिए मेन रोड जाती है शहर से सिरसा से, जो पहला एंट्री पॉइंट पुलिस ने लगाया था, उस पहले एंट्री पॉइंट से 7 किलोमीटर आगे डेरा का हेडक्वार्टर है। वो हेडक्वार्टर जहां पर बाबा राम रहीम, गुरमीत बाबा राम रहीम रहते हैं, वहीं से आज सुबह गए थे। तो उससे तकरीबन 2 किलोमीटर पहले एक छोटा डेरा पड़ता है, यानी कि 7 किलोमीटर की दूरी के बीच का स्पॉट है। वहीं पर एक वीटा का प्लांट है। वीटा संभवतः, मेरी जानकारी इस बारे में पूरी नहीं है, लेकिन जहां तक है कोऑपरेटिव फेडरेशन हो सकती है ये, क्योंकि अधिकतर मिल्क प्लांट कोऑपरेटिव फेडरेशन के होते हैं, क्योंकि सरकारी था वो, इसीलिए उसको टारगेट किया गया है। वरना उस पूरे 7 किलोमीटर के रूट पर एक बीच में छोटा सा गांव पड़ता है, तो गांव को फिलहाल किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन और बाकी जो पूरे 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें डेरा सच्चा सौदा की खुद की प्रॉपर्टीज हैं। तकरीबन जो है 60 एकड़ के आसपास का पूरा लैंड बैंक बताया जाता है, जिसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं बाबा गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा की। तो उनमें किसी तरीके की कोई आगजनी की खबर नहीं है, लेकिन जो वीटा का प्लांट था उसको जला दिया गया है। और अब फाइनली आर्मी को डिप्लॉय किया गया है सिरसा में। आर्मी फ्लैग मार्च करते हुए यहाँ से निकली है, आगे की तरफ बढ़ी है। इससे आगे की मीडिया को जाने की परमिशन नहीं है। हम लोगों को जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट था उससे तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।